देश की अर्थव्यवस्था पहले ही मुश्किल में फंस चुकी थी। इसके बाद कोरोना महामारी के दौरान तो देश में जीडीपी में गिरावट का ऐतिहासिक स्तर देखा गया, साथ ही ऐतिहासिक स्तर तक बेरोजगारी भी पहुंच गई। हालत अभी भी सुधरे नहीं है। लोगों के लिए रोजगार हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने बताया है कि देश में अगस्त महीने में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में 15 लाख लोगों की नौकरियाँ चली गई। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी दर ऐतिहासिक स्तर को छू चुकी है। लंबे समय तक बेरोजगारी दर का आंकड़ा 2 अंकों में बना रहा। सरकार दावा कर रही है कि कोरोना के चलते जो आर्थिक मंदी आई थी उससे देश उबर चुका है। इसके समर्थन में सरकार की ओर से हाल ही में वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के GDP आंकड़ों का हवाला दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि पहली तिमाही में GDP विकास दर 20.1% रही, जो 3 दशक में सबसे ज्यादा है। वो बात अलग है कि अगर इसकी तुलना 2019-20 की GDP से की जाए तो सरकार के दावे के पोल खुल जाती है, क्योंकि 2 साल पुरानी स्थिति की तुलना में अभी GDP 9% नीचे है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार का प्रदर्शन बेहद बुरा है। CMIE की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त माह में ही 15 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। वे किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते, बल्कि जिसके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगे हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है। जनहित में जारी तो राहुल गांधी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। इससे पहले LPG सिलेंडर के महंगे होने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा था कि जनता को खाली पेट सोने पर मजबूर करने वाला खुद मित्र छाया में सो रहा है। सरकार की गरीब विरोधी नीति के खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। DB Live की रिपोर्ट।